बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ, जहाँ पे दो नए नोटिफिकेशन अभी अभी रिलीज करे गए हैं, जिसमें एक नोटिफिकेशन अभी अभी आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का, एक अभी आया है कैनरा बैंक का। देखिए दोनों नोटिफिकेशन के लिए ना आपके लिए खास बात ये है, आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं है। जी हाँ, फ्रेशर्स अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार अपडेट है ये आज का। सबसे पहले दोस्तों के साथ वीडियो को आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इन वैकेंसीज के लिए फटाफट से अप्लाई कर पाए। एक जरूरी काम अभी करना, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी लोकेशन से वीडियो देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करें, ताकि आपके नियर जो भी पोस्ट आती है हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। तो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मीत। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनदर जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपकी ड्रीम बैंक की लेटेस्ट वैकेंसीज आई है। एक नोटिफिकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक आया है कैनरा बैंक का। दोनों ही धमाकेदार जॉब अपडेट है, जहाँ पे बिना परीक्षा के सीधी भर्ती है, यानी कोई भी आपका एग्जाम यहाँ पे नहीं है। हम सारी चीजों को एक एक करके यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ फटाफट आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर पाए, ठीक है। और देखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी वैकेंसीज को लेके, आप मुझे कमेंट करा करें, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारे सब्सक्राइबर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। हमारा ये जो चैनल है, देखिए यूट्यूब में आप टाइप करिएगा मीत शर्मा, कुछ ही दिनों में ऑफिशियली यूट्यूब वेरीफाइड कर देगा हमारे चैनल को। तो हमारा चैनल यूट्यूब में टाइप करें मीत शर्मा, फटाफट जाके सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी मौका आपके हाथ से निकल ना जाए, ठीक है। लेटेस्ट जो भी वैकेंसीज आई है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है वो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके ऐसे ये घंटी का बटन है ना, इसको ऑन कर देना, ऐसे आपके पास सामने ये ग्रे कलर में हो जाएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारी ऑफिशियल साइट को ऐसे गूगल पे लिखे meetacademy.in, पहले नंबर पे साइट मिलेगी, लेटेस्ट वैकेंसी को चेक करके अप्लाई करें। सबसे पहले हम आए हैं पहले नोटिफिकेशन यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर, कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, शुरू हो चुका है अप्लाई, फटाफट अप्लाई करें। आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लोकेशन आपकी नियर बाय रहेगी, सैलरी आपकी 36,000 से यहाँ पे 78,230 आपकी जो है वो सैलरी रहने वाली है। ये परमानेंट आपकी जॉब वैकेंसी इस बार काफी टाइप की यहाँ पे आउट हुई है और परमानेंट है, ठीक है। वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें, सबसे पहले यहाँ पे रिसर्च टीम सेंट्रल की वैकेंसीज है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर RM यानी रिलेशनशिप मैनेजर, VP हेल्थ, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, रीजनल हेड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे फी है आपकी, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है, ठीक है, एग्जाम कोई नहीं है। जनरल OBC EWS की 750 है, SC ST PWD अदर की है, यहाँ पे कोई भी फी नहीं है, फ्री में अप्लाई करें। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है आपकी और इंटरव्यू होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग जो है वो होने वाली है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर पोस्टिंग की बात करें, यहाँ पे इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। काफी सारे बेनिफिट आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ प्रोवाइड करता है, सैलरी के साथ साथ जिसमें इंश्योरेंस का बेनिफिट होगा और अदर्स बेनिफिट आपको यहाँ पे जो है वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा मौका है आपके पास। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पे एज लिमिट अलग अलग पोस्ट वाइज है, किसी पोस्ट के लिए मैक्सिमम 42, किसी पोस्ट के लिए मैक्सिमम 48 और 60 तक भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आप यहाँ चेक करें जब आप अप्लाई करें। सिलेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप शॉर्ट टेस्टिंग, इंटरव्यू, आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन सिलेक्शन है। लास्ट में आपको यहाँ पे लिंक मिलेंगे अप्लाई के लिए। यहाँ पे ना जब आप अप्लाई करेंगे, आपकी जो email ID और मोबाइल नंबर है बिल्कुल आपको यहाँ पे वैलिड अपना रखना है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करें, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई की वीडियो भी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, रिसेंट खिंचवाई हुई फोटोग्राफ, सिग्नेचर डिटेल, अपना रिज्यूमे आपको चाहिए, ID प्रूफ, ठीक है, उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से है, उसके बाद ये वीडियो चेक करना। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे अप्लाई करना। ये तो हो गया पहला नोटिफिकेशन। सेकंड जो नोटिफिकेशन है ये आपका कैनरा बैंक का, अप्लाई हो गया शुरू, ऑनलाइन करना है अप्लाई, ठीक है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन इसके लिए भी क्रॉस इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो कैनरा बैंक का नोटिफिकेशन है, यहाँ ना तो कोई एग्जाम है ना ही कोई इंटरव्यू है, सीधी आपकी सिलेक्शन हो रही है। तो कैनरा बैंक की ये जो वैकेंसीज है ना, आप अपनी लोकेशन वाइज यहाँ चेक कर सकते हैं। इंडिया में जितने भी लोकेशन है ना, जितने भी स्टेट या UT है, सबके लिए वैकेंसीज आई है। यहाँ पे आप जो इस वैकेंसीज को देख सकते हैं, कितनी कितनी वैकेंसी जो यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन देखिए, 5 साल का SC ST को मिल रहा है, OBC 3 साल, PWD के लिए 10 साल तक का है, वीडियो
सिंगल्स डिवोर्स कैंडिडेट का यहाँ पे 40 साल तक का आप अप्लाई कर सकते हैं। 1984 योर्स कैंडिडेट 5 इयर्स तक रिलैक्सेशन मिल रहा है। वैसे एज आपकी कम से कम 20 मैक्सिमम 28 है, प्लस आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। एससी पीडब्ल्यूडी की यहाँ पे कोई भी फी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अदर्स के लिए 500 है, यानी जनरल ओबीसी एडब्ल्यूएस की 500 है, एससी पीडब्ल्यूडी की कोई फी नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता ही दिया क्या क्या मिलेगा आपको। अब यहाँ सिलेक्शन का ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया इसके लिए, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आपका एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू है। इस नोटिफिकेशन में इंटरव्यू भी नहीं है, एग्जाम भी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने सीधा लिखा है जो कैंडिडेट 10th या फिर 12th के आपके जो सर्टिफिकेट है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे नॉलेज देखी जाएगी कि आपको लोकल लैंग्वेज बोलनी आती है, क्योंकि आपके यहाँ पोस्टिंग हो रही है जहाँ आपके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज तो समझ आनी चाहिए ना। हो सकता है कि आपकी लोकल लैंग्वेज कोई और है और आप जहाँ अप्लाई करें वहाँ लोकल लैंग्वेज की और है, तो आप जहाँ के लिए अप्लाई करें वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको सिर्फ आनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन वैसे यहाँ जो मांगी है वो आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट साइंस कॉमर्स कोई भी यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकता है इन वैकेंसी के लिए। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिंक कहाँ मिलेंगे वो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारा ये जो चैनल है मीत शर्मा यूट्यूब में लिखे सब्सक्राइब करें ताकि कोई मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। हमारी ऑफिशियल साइट meetacademy.in गूगल पे लिख के आप यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसी जो इसके अलावा ये चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए दोनों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अभी अभी एक और गुड न्यूज आ रही है जिसमें लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, वो अगली वीडियो हमारे इसी चैनल पे आएगी, सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉच।